गाइस, यदि आप लोग एनसीसी कैडेट हैं तो आप लोग कैंप्स के दौरान या एनसीसी परेड के दौरान ये तो सुने ही होंगे कि एनसीसी का सी सर्टिफिकेट करने के बाद आप लोग सीधा ऑफिसर रैंक में एंट्री पा सकते हो। तो फाइनली आज वो डेट आ चुके हैं। कैसे आप लोगों को इसमें फॉर्म अप्लाई करना है, क्या होता है एनसीसी स्पेशल एंट्री, कौन कौन इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करेंगे। और यदि आप लोग एनसीसी वे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीसी वे पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 54 का एसएससी इंटरव्यू चल ही रहा है और इसके साथ ही साथ एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 55 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 55 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन और कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब से कब तक इसमें फॉर्म डालना है, कैसे फॉर्म डालना है, सभी चीज़ों को आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। फॉर्म भरने के बाद एसएसबी इंटरव्यू में जाने तक के बीच का सारा प्रोसेस आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप कराता हूँ अपने एनसीसी वे चैनल पे। तो अगर आप लोग एक एनसीसी कैडेट हैं जिनका सी सर्टिफिकेट कंप्लीट हो गया है तो आप लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हो। और यदि आपका कोई फ्रेंड है जो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट कर रखे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। तो गाइस, देख सकते हो ये है एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 55 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे देख पाओगे एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 55 कोर्स अप्रैल 2024 ये लिखा आ रहा है, शॉर्ट सर्विस कमीशन। उसके बाद इसमें कुछ हाईलाइट चीज़ें हैं वो आप लोगों को जल्दी से मैं बताऊँगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, कल मॉर्निंग तक के वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे ही एक नोटिस दिया गया है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल इंक्लूडिंग वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल, ये लिखा है। तो इसमें अगर आप लोग मेल कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट हो और आपका शादी हो चुका है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होते, ये सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद और नीचे आते हैं तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें मेंशन हैं, आप लोग देखोगे जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। फिर यहाँ पे देखो एज लिमिट दिया गया है, तो एनसीसी का जो स्पेशल एंट्री आता है उसमें आप लोगों को पता होगा 19 साल से 25 साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। किस डेट पर आपका डेट ऑफ बर्थ काउंट होगा वो यहाँ पर भी लिखा है। और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर क्राइटेरिया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फॉर एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स, अब ध्यान रखना आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आप लोग सिर्फ आपके पास ए ग्रेड होना चाहिए या बी ग्रेड, तभी आप लोग इसके लिए एलिजिबल होते हो। सी ग्रेड वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं होते, ये ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विद एग्री ग्रेड ऑफ मिनिमम 50% मार्क्स एंड टेकिंग इनटू अकाउंट मार्क्स, ये लिखा है। अब ध्यान रखना, इससे जस्ट पहले आया था एनसीसी का स्पेशल एंट्री 54, उसमें क्या किया गया था, आप लोगों को एसएसबी इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट होने के लिए जो परसेंट मंगा था वो मंग दिए थे 60%। इसीलिए बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको मेल नहीं आया था एसएसबी इंटरव्यू के लिए। तो ये बात अच्छी है कि यहाँ पर इस बार 50% आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पर मैंसन है, ठीक है। उसके बाद और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन है, सर्विस इन एनसीसी शुड हैव सर्वड फॉर मिनिमम 2 or 3 years एज सीनियर डिवीज़न। तो आप लोग सी सर्टिफिकेट किए हो तो बेसिकली 3 साल का आप लोग एनसीसी किए हो, ठीक है, तभी आप लोगों को सी सर्टिफिकेट मिला है, कम से कम ए ग्रेड या बी ग्रेड में। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ग्रेडिंग शुड हैव ऑब्टेंड मिनिमम ऑफ बी ग्रेड, ये लिखो या तो ए ग्रेड होना चाहिए या बी ग्रेड। अगर आपके पास सी ग्रेड है सी सर्टिफिकेट में तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम ऑफ एनसीसी एप्लीकेशन हु आर नॉट होल्डिंग एनसीसी सी सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स। अब यहाँ पे देखना, बहुत से कैंडिडेट यहीं पे मिस्टेक करते हैं, जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट नहीं होता वो लोग भी फॉर्म डाल देते हैं, फिर जब इंटरव्यू में जाते हैं उस टाइम पर डॉक्यूमेंटेशन में उसको काट दिया जाता है क्योंकि जानकारी सही से उन लोग नहीं सुने रहते। यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि आप लोग जिस वक्त फॉर्म डाल रहे हैं उस डेट पे आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद और नीचे चलते हैं, डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विद एग्री ग्रेड ऑफ मिनिमम 50% मार्क्स, ये अच्छा चीज़ है क्योंकि इससे पहले जो निकला था 54 उसमें मैंने बताया कि 60% मंगा गया था, इसीलिए बहुत लोगों को शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया था,
इसी को देखते हुए इस बार 50% होना चाहिए। उसके बाद और नीचे चलते हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड फॉर वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअल्टीज, ये ध्यान रखना है ये पॉइंट। उसके बाद और नीचे चलते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखने को मिलेगा। उससे पहले वैकेंसीज की बात कर लेते हैं, तो ध्यान रखना एनसीसी स्पेशल एंट्री साल में एक साल में दो बार आता है। ध्यान रखना एनसीसी स्पेशल एंट्री एक साल में दो बार आता है, मतलब 6 महीने में एक बार वैकेंसी आता है। और हर बार एनसीसी जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50 वैकेंसीज होता है और वुमेन्स के लिए 5 वैकेंसीज होता है। एक बात और ध्यान रखना है कि एनसीसी मेल कैंडिडेट्स के लिए जो 50 वैकेंसी होता है उसमें 45 जनरल कैटेगरीज के लिए होते हैं और 5 जो है वो वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअल्टीज के लिए रिजर्व रहता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक चीज़ है, ट्रेनिंग ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इज 49 वीक्स एट ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA चेन्नई। जैसे ही आप लोग फॉर्म डालते हो, आप लोग शॉर्ट लिस्ट होते हो, तो आपको SSB बोर्ड जाना होता है। उसमें 5 दिन का प्रोसेस होता है इंटरव्यू का, उससे गुजरना होता है। उसमें अगर आप लोग पास हो जाते हो तो आपको 49 वीक्स का ट्रेनिंग कराया जाता है OTA चेन्नई में। ये चीज़ आप लोग NCC में थे तो ANOs या फिर PI स्टाफ के द्वारा आप लोगों को बताया गया रहा होगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, सीधा ऑफिसर रैंक में लेफ्टिनेंट रैंक में आप लोग एंट्री पा सकते हो, कैप्टन बन सकते हो, उसके बाद मेजर बन सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। प्रमोशन क्राइटेरिया ये है, यहाँ पे आप लोग पे स्लिप भी देख सकते हो कितना कितना है पे लेवल, ये चीज़ें यहाँ पे हैं। और यहाँ पे सैलरी मेंशन है। और आगे चलते हैं, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी कि इसका डेट जान लेते हैं। तो 5 जुलाई से फॉर्म डालना चालू हुआ है, ऐसा वेबसाइट में ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा है। तो आज मैं 7 तारीख को वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वेबसाइट ठीक से वर्क नहीं कर रहा था और कल ही मैं आप लोगों को इसमें कैसे फॉर्म डालना है घर बैठे स्टेप बाय स्टेप कोई बिना मिस्टेक किए इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद ये 5 तारीख से फॉर्म डालना चालू हुआ है, ये ध्यान रखना है। अब कब तक डलेगा, तो ये 3 अगस्त तक फॉर्म डालने का समय है आपके पास, लगभग 1 महीने का। तो गाइज, अगर आप लोग NCC कैडेट्स हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी यही होता है NCC स्पेशल एंट्री। इसमें किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, आपका सिर्फ 5 दिन का SSB इंटरव्यू होता है। जैसे ही आप लोग SSB का इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपको आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद आपको 49 वीक्स का OTA में ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके बाद सीधा आप लोग ऑफिसर रैंक में एंट्री पा सकते हो। तो सोचो, आप लोग NCC किए हो तो NCC करने का कितना बड़ा बेनिफिट मिलता है आपको कि सीधा आर्मी में आप लोग एंट्री पा सकते हो। तो वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।